इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा हमारे साथ लीना मुइन भी मौजूद हैं और उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। नादरा ये बताइए पहले तो स्कोर कैसा लग रहा है आपको? 204 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम आउट हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और इब्तदा से ही पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो मैच पर हावी रहे, क्या कहेंगे? देखिए आज जिस तरह से डोमिनेट किया है पाकिस्तान की बॉलिंग साइड ने तो ये काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं और 200 तक भी जैसे हम मैच से पहले बात कर रहे थे कि अगर बना लेता है बांग्लादेश तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रगल करे पाकिस्तान, क्योंकि इस विकेट पे 200 प्लस रन्स थोड़े बहुत ज़्यादा हों या 200 तक हों तो थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए, जिस तरह से हम रिजवान को देख रहे हैं काफ़ी अर्से से कि रिजवान ने अच्छे मैचेस खेले, लेकिन शुरू के तो काफ़ी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले, सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन फिर लेटर ऑन उनकी जो पोजीशन है थोड़ी सी पीछे जाती जा रही है, उनका स्ट्राइक रेट भी कम हो रहा है और रिजवान उस तरह के परफॉर्मेंस देने के काबिल नज़र नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अच्छी कारकर्दगी माजी में दिखाई है तो आज काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। प्लस ये कि आज जो इंडक्शन हुए हैं मिडल ऑर्डर में भी और ओपनर भी फ़खर जमान वापस आए हैं तो मुझे लगता ये है कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी बेहतर फॉर्म में नज़र आएगी और क्योंकि आज का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, इसके बाद तो फिर कोई उम्मीद लगाना ही बेकार होगी कि हम सेमीफाइनल तक जाएं। तो आज का मैच काफ़ी टफ है लेकिन इस वक्त बॉलिंग ने बेहतर खेला। हारिस रौफ थोड़े से शुरू में लग रहा था कि उस तरह की उनकी लाइन लेंथ नहीं हो रही और थोड़ा इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि 205 तक रिस्ट्रिक्ट किया, अगर ये 250 कर लेते फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।